हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी मैं बैठी हूँ किचन में, किचन के बाहर ही। और ये रहा दक्ष, देखे यानी कभी कैमरा बहुत से देखता ही है। दक्ष शरारत, हाँ शरारत, नानी के यहाँ पे शरारत। दक्ष कर रहा है, आद्या उस तरफ है और मैं इस तरफ बैठी हूँ। ये बैठी है संध्या, चावल भी नहीं। अंधेरा रहता है ना किचन में, इसलिए दिखता नहीं है। बहुत अंधेरा रहता है, बहुत ज्यादा। अब भी नहीं दिख रहा है, अब थोड़ा बहुत दिखा, हल्की रोशनी आ रही है। बहुत जरा सी अंधेरा सा रहता है यहाँ पे। लाइट भी नहीं, लाइट भी एक जल रही, बहुत छोटी वाली। क्या बना रही संध्या? दम आलू। दम आलू बना रही है न्यूट्रेला डाल के ना। तो भाई सब्जी तो बन गई है, इन्होंने तड़का दे दिया, वरना हम आप लोगों को दिखाते ही कैसी बनाई है। अब खा के बताएंगे कैसी बनी है। और यहाँ पे राइस है, वो साफ कर रही है, फिर राइस बनेगी एंड रोटी, वो खाएंगे। और आज है 10 तारीख और 10 का आज है बर्थडे, तो शाम को ना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। राखी मेरी बहन वो गई है अपने कॉलेज, और जब वो अपने कॉलेज से आएगी तब हम लोग करेंगे डेकोरेशन। और आज हम आज संध्या को ब्लैक साड़ी पहनाएंगे। ब्लैक वाली साड़ी पहनाएंगे, अच्छी लगेगी, गोरी है ना ये, इसलिए इन पे ब्लैक कलर और खिल के आएगा। शाम को पहनोगे है ना? शाम में काम वाम करके। तो दोपहर में पहनोगे? शाम में पहनोगे। कितने टाइम बर्थडे हो? शाम को ही हो ना, शाम को ही पहनोगे? शाम को ही पहनेंगे, ठीक। और कुछ बता, और सब बढ़िया? ये देखो ये इसको हो रहा कि मामी से क्यों जलन, देख रहे हो? अदरक, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये देखो बंदर जान रहा है अदरक का स्वाद यही होता है। बाबू तुमको अदरक अच्छा लग रहा है? आज दक्ष ने पहना है ये कुर्ता, और कुर्ता अच्छा भी लगता है इस पे। दक्ष आज दक्ष 11 मंथ बर्थडे है, 10 तारीख है आज। आज दक्ष 11 महीने के हो गए हैं, और अगला बर्थडे जब 12 मंथ यानी 1 ईयर का बर्थडे आएगा तो कुछ अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ पर इसका ये एकदम, ये 2 महीने का जब मैं लेकर आई थी तब यहाँ पर बर्थडे इसका मनाया था हमने, तो शादी का घर था तब इतने अच्छे से नहीं मना पाए थे क्योंकि सब लोग बिजी थे अपने अपने काम में। अब थोड़ा सा फ्री है तो थोड़ा सा इस बार बहुत ही अच्छे से मनाएंगे। हाँ ये देखो, तो चलिए थोड़ी देर में बात करते हैं, थोड़ा इसको चुप करा लें फिर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हॉल में और यहाँ पे लेकर आई हूँ दक्ष को। मैं दिखाती हूँ, ये इसीलिए रो रहा था कि मुझे खिलौने दे दो। ये देखो ये रहे दक्ष। दक्ष दक्ष बाबू, अच्छा अब नहीं देखेगा, इसे बड़ा ही अच्छा लगता है खिलौने, ये खेल रहा है। और ये रही आद्या, जो कि किसका मोबाइल चला रही हो आद्या तू? मौसी का। और आद्या ने ड्रेस, आद्या बताओ ड्रेस नहीं दिखाओगी अपनी सबको? चलो दिखाओ ना, कौन सी ड्रेस पहनी है? अरे वाह पिंक कलर की। अरे भूख लगी तुमको? हाँ चलो दिला चल के मामी से। क्या खाओगी? कुछ भी, चॉकलेट खाना है? चलो मैं रख दूँ चॉकलेट, रखी फ्रिज में। आद्या के लिए तो ढेर सारी चॉकलेट आई थी, उसके मामा अंकित शिवम लेकर आया था, और वो कल इसके लिए कलर भी आए थे क्योंकि इसको कलर करना बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए इसके लिए कलर भी आ गए थे। तो कलर भी तो खुश हो गई थी, कम से कम 10 बार थैंक यू बोला होगा इसने अपने मामा को, बोले मामा मेरे लिए कलर लेकर आए हैं। एंड मैंने आज ये येलो कलर का कुर्ता डाला हुआ है, और कुछ भी नहीं किया है, सिंपल हूँ बस। बाल खींच लिए थे, बिंदी लगी है वही, कल परसों जब मैं आई थी तब की बिंदी लगी हुई है, तो ऐसी है। तो मैं चलो व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, टाइम तो 12 बज गया है, सुबह से ही स्टार्ट कर दे। आज ना कटलेट बनाए थे संध्या ने, तो कटलेट मैंने खाए थे, ब्रेड रोल खाए, सॉरी कटलेट नहीं ब्रेड रोल थे, वो बहुत ही टेस्टी बने थे, हमने खाए थे, सभी लोगों ने खाए थे। और कुछ आलू के पराठे भी बने थे, तो आलू के पराठे भी खाए थे। एंड मेरा ये वाला जो घर है, मतलब नीचे बीच वाला जो हिस्सा है, वो इसी तरीके से मैस थोड़ा सा मिलेगा, क्योंकि ये जो बीच वाला हिस्सा है पहले यही बना था, तो इसी में हम लोग थे। ऊपर वाला नया बना है, तो ऊपर संध्या का कमरा यानी भाभी का कमरा है, और छोटे वाले भाइयों का कमरा है, एंड हॉल है, टीवी लगा हुआ है, सोफा डला हुआ है। तो उसका मैं बताना, आप लोग देखना चाहते कि नहीं, तो उसका भी टूर दूंगी। हालांकि जब नया नया घर बना था ऊपर वाला, जब मैं पिछली बार जब आई थी तब मैंने आप लोगों के साथ में उसका पूरा वीडियो शेयर किया था घर का, मायके के होम टूर में। लेकिन अब वो थोड़ा सा बदल भी चुका है, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है, बहुत सारी चीज़ें लग चुकी हैं,
एंड फर्निश हो चुका है काफ़ी अच्छे से। सो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं फिर से आप लोगों को दिखाऊंगी एंड देखते हैं आज की वीडियो में क्या क्या कैप्चर कर पाती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड अभी खाना बना रही है संध्या, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, फिर थोड़ा फ्री हो जाएगी वो भी हम भी। राखी अंकिता है जो मेरी छोटी वाली बहन, वो कपड़े सभी के धुल रही है, ढेर सारे कपड़े लेके बैठी हुई है, सभी भाइयों के कपड़े, सभी लोगों के कपड़े वो धुलती है, तो सारे वो धुल रही है। राखी स्कूल चली गई थी अपने, जब तक वो कॉलेज चली गई थी, जब तक वो कॉलेज नहीं जाती है, मतलब जब तक जाने से पहले तक का सारा काम संध्या के साथ में हाथ बटा के जाती है सारा काम। वो जैसे कल नहीं गई थी तो कल साथ में काम कराती रहती है वो संध्या के साथ में बराबर। मम्मी की तबीयत ठीक है, पहले से बहुत से लोग पूछते हैं मम्मी की तबीयत कैसी है, तो अभी मम्मी नहाने गई हैं, मम्मी थोड़ा लेट नहाती हैं क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं ना, उनके एक्सीडेंट हो गया था, उनका फेस पूरा ख़राब हो गया था उसके पैर में, अब वो थोड़ा बहुत चलने भी लगी हैं लेकिन अभी वो पैर मोड़ के बैठ नहीं पाती हैं, तो उनको तकलीफ़ है, लेकिन जैसे ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तो वो भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा करने लगेंगी। अभी तो बस बैठी रहती हैं, उठ के चल देती, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती हैं, और 2 महीने हो गए उनको बेड रेस्ट करते करते, बहुत टाइम लंबा समय दिया उन्होंने बेड रेस्ट में, और बेड रेस्ट समझ सकते हो कितना मुश्किल रहता है, जो इंसान परमानेंट हमेशा काम करता रहता हो, भागता रहता है, उसे लेटना नहीं अच्छा लगता है, तो वही है। और मम्मी अब ठीक है, पहले से बेटर है, लेकिन हाँ पूरी तरीके से नहीं है, तो मैं आज आप लोगों को उनसे भी मिलाऊंगी, बस वो नहा कर आ जाए अभी फिर। और अब कुटने की आवाज़ आ रही होगी, तो अंकिता धुल रही है कपड़े, वो भी बहुत सारे। ये आ गया दक्ष, दक्ष तुमको बाहर भी देखना था, आ तुमको बाहर दिखाते हैं, ये देखो, ये देखो दक्ष, ये देखो और ये देखिए कितना सारा मनी प्लांट है जो कि मम्मी ने लगा रखा है। यहाँ पे मनी प्लांट है, यहाँ पे तुलसी है, और ये दूसरा पौधा, ये देखिए तुलसी कितनी सारी है ये, और ये गुड़हल का पेड़ है, ये रहा इतना सब मम्मी ने लगा के रखा। थोड़ा सा सफाई अभी नहीं हो पा रही है, बुलाना सफाई वाले को, वो कर देगा आके साफ़ सफाई, या फिर मम्मी ही करती है थोड़ा बहुत पानी वगैरह डालना। आद्या चलो चलो खाना दिला दे, कुछ खाना है, आ मैं चॉकलेट दूँ, आओ उठो मोबाइल रखो, पहले आप मोबाइल रख दो फिर चलो मेरे साथ आओ, आ जाओ मैं चॉकलेट दिला दूँ, चलो 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 निकालो चॉकलेट, इसमें है उठाओ, मुझे भी खिलाओगी एक, चलो यही वाली ले लो, बंद कर दो अब यही ले लो, वो बटर है बेटा, वो बटर है वो नहीं, यही ले लो बंद करो, कभी फाइव स्टार ले लो, फाइव स्टार नहीं अच्छी लगती है ये, नहीं वही ले लो वही अच्छी लगती है, हाँ जल्दी से ले लो, आ जाओ बंद करो, आप पहले वो बंद करते हैं, दिखाओ ला मैं खोल दूँ, आप जल्दी आओ खोलो, मामी को खिलाओगी, मामी को भी खिला दो, देखो मामी खाना बना रही, तुमको खाना भी देगी, तुम मामी को खिला नहीं सकती हो, खिला दो मामी को, देखो भाई कह रहा मुझे दो, नहीं। वो मांग रहा है दो मुझे दीजिए, है गुस्सा हो रहा है, गुस्सा हो रहा है वो, संध्या चॉकलेट ले लो इससे, ये हंसती रहती है, क्यों संध्या चॉकलेट खा लो, देवर लाया तुम्हारे, इतनी चॉकलेट लाते खाती हो, इतनी चॉकलेट लाता है ये खाती हो तुम, ले आते दिखा कौन सी वाली चॉकलेट, ओहो छोटे छोटे वाले बॉक्स वाली, एक मुझे देना, एक देना मैं भाई को भी खिला दूंगी, मैं भी खा लूंगी, और एक मामी की, बस अब तुम खा लो, एक मामी, हाँ ये लो मामी, आप खा लो बेटा, मैं दे रही हूँ मामी को, चलो अब किसका फोन लियो, आद्या मौसी का, ये टॉफी वाली चॉकलेट है, हाँ ये टॉफी वाली, हाँ भैया लाते थे ना ड्यूटी पे, ये वही लाते थे, हाँ ये वाली कौन सी भी टॉफी चॉकलेट सब। तो ये रही न्यूट्रेला एंड दम आलू की सब्जी, देखने में तो इतनी बढ़िया लग रही है, जितनी इससे दिख रही कैमरे में और ज्यादा अच्छी लग रही है, अब तो सारे व्यूअर्स खा जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये है मेरी मम्मी,
अब मम्मी ठीक है, देखो चेहरा एकदम एकदम सही हो गया है। और जब एक्सीडेंट हुआ था मम्मी का तो पूरा चेहरा खराब हो चुका था, इस वजह से मैंने एक भी फोटो नहीं खींची थी। हाँ एक बार राखी ने एक खींच के रखी थी लेकिन दिखाई नहीं थी मम्मी को। तो मम्मी कितने महीने आई ना शीशा नहीं देखा था, 2 महीने तक 2 महीने शीशा नहीं देखा। हाँ 2 महीने मम्मी ने शीशा भी नहीं देखा था। और अब मम्मी के बिल्कुल से ये सब पूरा काला था, खून से लथपथ था, ये सब पूरा इतना इतना हिस्सा तो पूरा लाल था, और नहीं एक हिस्सा लाल था, एक थोड़ा काला हो गया था, पूरा पूरा रगड़ गया था ना वो। अब देखो बिल्कुल सही हो गई मम्मी भाई, अभी चल लेती हैं लेकिन अभी बैठ नहीं पाती हैं ज़्यादा अच्छे से, वही दिक्कत है। और 2 महीने रेस्ट के बाद अब मम्मी थोड़ा बहुत चलने लगी है। एक्सरसाइज डॉक्टर ने बताई, एक्सरसाइज बताइए ना, एक्सरसाइज करती हैं और ठीक लग रहा है। सब लोग पूछ रहे थे कि मम्मी कैसी, बताओ ठीक। अब सब लोग पूछेंगे मम्मी सही है, सही है बैठे हैं। मम्मी ने थोड़ी सी बात की आप लोगों से, अच्छा लगा मुझे भी। आप लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था कि मम्मी कैसी हैं, सो मैंने मम्मी को दिखा भी दिया, आप लोगों से बात भी करा दी है। और अभी हम मम्मी बहुत सारी अपनी बातें कर रहे हैं। तो अभी मैं हलवा बनाने आई हूँ दक्ष के लिए। तो ये देखिए रवा भूल लिया है, थोड़ा ज़्यादा भूल लिया है कि रख दूँगी उठाकर, तो उसे कल बनाना पड़े तो कल फिर बना देंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा ही बनाऊँगी और मुझे नींद भी आ रही है बहुत तेज, एंड मुझे एडिटिंग भी करनी है आप लोगों के लिए। सो देखते हैं, दक्ष हो गया था तब मैंने कुछ किया नहीं काम एडिटिंग, क्योंकि मुझे तब अपलोड पर लगाना है। यहाँ पर नेट का काफ़ी इशू है, यहाँ पर इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है मुझे, इस वजह से वीडियो अपलोड होने में सुबह लगाओ पता चले शाम तक मेरी अपलोड हो पाए। अगर सुबह अच्छे से टाइम ना मिल पाए दक्ष की वजह से, वैसे तो वहाँ पर पूरा ही टाइम ही रहे हैं, और अब तो भाभी हैं तो और भी अच्छा लगता है, माहौल थोड़ा सा हंसने वाला हो जाता है, थोड़ा मजाक वगैरह हो जाता है। और बहुत जल्द मैं आप लोगों को अपनी भाभी का कमरा भी शेयर करूँगी कि कैसा है रूम, जैसा भी है मैं शेयर करूँगी। एंड आप लोग बताना कमेंट करके कौन कौन लोग देखना चाहता है। तो यहाँ पर मैंने पानी खुला लिया है और मैं हल्की चीनी डालूंगी इसमें, क्योंकि मैं दक्ष को आधी चम्मच या एक चम्मच चीनी डाल के हलवा बना देती हूँ मीठा करने के लिए। अदरवाइज मैं उसे केला से भी, मतलब बनाना से भी मीठा कर लेती हूँ। तो बनाना तो नहीं है, मैंने फ़ोन किया था अपने भाई को कि लेकर आ जाए, तो देखो थोड़ी देर में लेके आएगा तो मैं तू बना देती हूँ, उसे भूख लगी है इसलिए। तो बस हलवा बना लेते हैं ठीक है, फिर दिखाते हैं। ये हलवा बन चुका है, अब मैं अपनी बेटी को खिलाऊंगी जाके, थोड़ा सा और बचा है मेरी आदिया भी खा लेगी। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, एंड बर्थडे व्लॉग आपको कल मिलेगा, तो मेरे नए वीडियो को इंतज़ार ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।